खता है, अभी शेख जी का जिक्र हो रहा था, वाकई में एक शेख जी के लिए भी बड़ी मुसीबत है। एक मरतबा आपसे गुजारिश कर दूंगा, इन सारे ऐसे शेखों पे लाना बेशुमार। मेरे अली का दुनिया में बोल बाला है, मेरे अली का दुनिया में बोल बाला है, फलक पे जिक्र है कुरान में हवाला है। न देख पाओगे मौला की भोली सूरत को, न देख पाओगे मौला की भोली सूरत को, तुम्हारी आंखों में बुग्ज़े अली का ज्यादा है। न देख पाओगे मौला की भोली सूरत को, तुम्हारी आंखों में बुग्ज़े अली का जाला है। रिशेर समात फरमाए, अली की बज़्म में वो किस तरह से आ जाएं, अली की बज़्म में वो किस तरह से आ जाए, नबी ने हाथ पकड़ कर जिन्हें निकाला। बस एक कथा आखिरी आपके जौके समात के लिए नजर कर रहा हूँ, इसमें भी अलम का तस्करा है और अलम के क्या क्या फवायद हैं। अभी आपने देखा कि कब्र में मलक ने भी कहा कि इसके मैयत से वफा की खुशबू आ रही है। तो देखिए एक तस्करा, एक कथा है और इसके बाद इंशाल्लाह हमारी महफिल के आखिरी मदाखा जनाब अब्बास भाई तशरीफ लाएंगे और वो आपको अपने नूरानी और मिजाहिया और बेहतरीन कलाम से बेहतरीन अंदाज में आपको खुश करेंगे। तो ये कथा समाप्त फरमा ले। तस्करा करती है खाके करबला अब्बास का, तस्करा करती है खाके करबला अब्बास का, है नुसैरी के खुदा से सिलसिला अब्बास का, है नुसैरी के खुदा से सिलसिला अब्बास का। अब शेर समाप्त फरमाए, बर्फ हो जाते हैं अंगारे अलम को देख कर, आग पे मातम करते हैं ना, बर्फ हो जाते हैं अंगारे अलम को देख कर, आग पर मातम है देखो मौजज़ा अब्बास का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, वाले मोहम्मद अल्लाह।